हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि निकाली गई है पटना हाई कोर्ट के द्वारा पर्सनल असिस्टेंट पीए पोस्ट के लिए। इसके लिए आप कर पाएंगे अप्लाई ऑनलाइन, तो जानते हैं क्या है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और क्या है इसकी फुल डिटेल, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियर एट पटना, पटना हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आपको पर्सनल असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट नोटिस यहां पर देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसके एम्प्लॉयमेंट नोटिस, जो कि SC02/2019 है। इसको आप 22 मई 2019 से 11 जून 2019 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जिनके जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो सभी जो राज्य हैं, सभी स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 131 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रखी गई हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर इसके जो भी आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, तो यहाँ पर देखिए आपका मेडिकली फिट होना आपका ज़रूरी है, ये सभी भर्तियों में होता ही है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 35 साल आपकी एज रखी गई है, और जो रिजर्व कैंडिडेट हैं बिहार के, उनको यहाँ पर छूट मिल जाएगी। अदर स्टेट कैंडिडेट को जनरल में काउंट किया जाएगा, और ये जो एज है ये आपकी डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट को ही यहाँ पर काउंट होने वाली है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, तो आप इसमें एप्लीकेबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, अलग अलग यहाँ पर जो है कंडीशंस दी गई हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम इसका अप्लाई ऑनलाइन का फॉर्म फिल करेंगे। वहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि आपके होंगे कि आपके पास ऑनर्स ग्रेजुएट इन इंग्लिश है, या पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश है या नहीं है, या फिर आपके पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, आपने 50% मार्क्स के साथ पास किया है या नहीं किया है, आपके पास 6 मंथ का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कंप्यूटर में है या नहीं है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल अपनी फिल करनी होगी। पर बैचलर डिग्री यहां पर अनिवार्य है, एसेंशियल है। यहां पर फ्रेंड्स आपको मोड ऑफ अपॉइंटमेंट दिया गया है कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो इंग्लिश शॉर्ट एंड या टाइपिंग टेस्ट आपको देना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो सेकंड है वो टाइपिंग इंग्लिश स्पीड है, थर्ड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर टेस्ट है, फोर्थ आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और फाइव जो है आपका ओरल इंटरव्यू है। तो ये इस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। यहां पर मिनिमम क्वालिफाई स्टैंडर्ड भी रखा गया है, जो 90% इंग्लिश शॉर्ट एंड टाइपिंग में आपकी एक्यूरेसी, 95% इन इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, 60% मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर टेस्ट, 60% इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड 30% मार्क्स इन ओरल इंटरव्यू। यहाँ पर फ्रेंड्स एग्जामिनेशन फीस की बात करें, जो थोड़ा ज़्यादा लगता है, पर यहाँ पर फीस जो है वो 700 रुपये जनरल बीसी और ईबीसी कैंडिडेट के लिए रखी गई है, 350 रुपये फीस यहाँ पर SC ST कैंडिडेट के लिए है, और 175 रुपये PH कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फीस रहेगी। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो रिजर्वेशन कोटा है उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है, और ये जो कोटा है मेनली आपके बिहार के निवासी को मिलेगा, अदर राज्य कैंडिडेट जनरल में ही काउंट होते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स सभी डिटेल आपको इसी इंस्ट्रक्शन पे मिल जाती हैं। अगर आप चाहते हैं इसको फॉर्म को फिल करना, तो कैसे इसको फिल करेंगे उसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे, या फिर आप इस वाले सेक्शन को भी पढ़ सकते हैं कि कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसकी सभी डिटेल शॉर्ट में अवेलेबल हो चुकी हैं। साथ में फ्रेंड्स आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में आएंगे, वहाँ पर आपको इसकी सभी डिटेल हमने अवेलेबल करा दी हैं। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हमने बात की लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।